देखिए, जेनेलिया डिसूजा ने भले ही एक्टिंग को फॉर द मोमेंट टाटा बाय बाय कह दिया हो, लेकिन भैया सोशल मीडिया में शी इज सुपर वायरल। जी हाँ, और पूरे लॉकडाउन के दौरान उन्होंने और रितेश देशमुख ने क्या कमाल के रील्स बनाए, वीडियोस बनाए, एंड वी एंजॉयड इट। ऐसे में चलिए जेनेलिया से करते हैं मुलाकात और जानते हैं कि उनकी ये जो न्यू इनिंग्स एंड न्यू अफेयर विद द सोशल मीडिया है, कैसे हुई इसकी शुरुआत। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जानी मानी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा। बहुत सारी हम उनसे बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ इश्यूज को लेकर। जेनेलिया, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में आपका। थैंक यू सो मच रवि। जेनेलिया, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, आप बहुत कम इंटरव्यूज देती हैं, बहुत कम नजर आती हैं, बहुत कम मिलती हैं मीडिया से। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मॉनसून के दौरान बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको किस तरह से टैकल करती हैं, क्या किस तरह से खास ख्याल रखती हैं आप अपना? एक्चुअली मॉनसून जो है वो एक ऐसा सीजन है जहाँ पे हम लोग एसोसिएट ही करते हैं कि यू नो दिस इज लाइक द टफेस्ट टाइम फॉर अस जनरली। तो मैं जनरली बहुत ज्यादा हेल्दी हूँ, मतलब मैं एक 80-20 रूल फॉलो करती हूँ जहाँ पे 80% आई ट्राई एंड बी एज हेल्दी एज आई कैन। मैं प्लांट बेस्ड हूँ, मैं वीगन हूँ, तो उस हिसाब से आई डोंट हैव डेयरी or meat, so I feel in itself wo mere liye bahut immunity wise it has really really helped me। and jaise main keh rahi thi you know in the other interviews also ki physically I mean internally is your food, to aapka khana, aap you know adrak aur haldi aur wo sab is extremely important, jo hum hamara ma jo my mother my grandmother whatever they have told me wo sab to abhi bhi I follow for my children, but ek jo hota hai ki externally I feel ki jab mujhe covid hui thi and you know one of the things I learned ki steam inhalations hum log sirf us time pe karte hain, you know whenever we have covid okay we'll go and do those extra steam inhalations, but how about it being part of a routine? To maine ek decision liya hai ki every day we'll do a steam inhalation somehow or the other, and I think that has really helped kyunki things like nilgiri jo hai you know ajwain ye sab आयुर्वेदिक जो जो एक इंडियन साइंस है इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल। एंड फॉर मी आई फेल कि विक्स वेपर जो उसमें सब कुछ है, मतलब देर इज मेंथॉल, देर इज यूकलिप्टस, देर इज कैम्फर, सो आई फील इट रियली हेल्प्स टू डू दी स्टीम इनहेलेशंस जो खांसी और सर्दी को रिलीफ दे सकता है। सो या दैट्स माई बेसिक हेल्थ रूटीन। हेल्थ का आप खासा ख्याल रखती हैं, आपकी फिटनेस से पता चलता है। मैं जानना चाहूंगा कि फिट रहने के लिए और क्या क्या तरीके आप अपना कौन कौन से तरीके आप अपनाती हैं? बहुत सारे स्टार्स जो है वो योगा करते हैं, बहुत सारे स्टार्स जो है जिम जाते हैं, बहुत सारे स्टार्स डाइट का खास ख्याल रखते हैं, जैसे कि आपने भी बताया। आप कौन कौन से तरीके अपनाना पसंद करती हैं अगर हेल्थ की बात की जाए तो? नहीं, मुझे लगता है कि एवरीवन इज on the whole interested, एक interest है कि मुझे healthy होना है, लेकिन कैसे होना है is very often the problem कि some people say have this, some people say don't have this, और उसमें हम लोग बहुत confuse हो जाता है। तो मैंने खुद एक nutrition course किया था क्योंकि मैं एक non-vegetarian थी and I changed to being a plant-based girl, but when I changed सब लोग बोल रहे थे कि you know अभी आपका आयरन कहाँ से मिलेगा, आपका प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, एंड इट जस्ट वेंट ऑन एंड वेंट ऑन टू अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज कि बनाना में भी 1 ग्राम प्रोटीन है। तो हम लोग इतना एम्फेसिस देते हैं रॉन्ग चीजों पे कि इवेंचुअली आवर इम्यूनिटी इज गोइंग लोअर एंड लोअर एंड लोअर डाउन। सो दैट्स व्हाट आई डिड ड्यूरिंग द
ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैंने जो किया जिम वॉज नेवर पार्ट ऑफ माई रूटीन. जिम मेरे रूटीन का बिल्कुल मतलब आई हेटेड गोइंग टू द जिम. मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल थी लेकिन ये यू नो जिम स्ट्रक्चर मतलब इस टाइम पे सिर्फ एक्सरसाइज करना है, इस टाइम पे सिर्फ खाना खाना है, दैट वॉज जस्ट नॉट पार्ट ऑफ मी. तो मैंने ये सब चेंज किया इसके दौरान पे पैंडमिक के दौरान पे क्योंकि मुझे लगा कि इम्यूनिटी कैन बी बिल्ट इन वन डे. मतलब एक ही दिन पे हम लोग सब यू नो वील डू स्टीम इनहेलेशन वील डू कुछ नहीं होएगा. इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना है आपके लिए. तो ऑन द होल आई फॉलो लाइक आई सेड मैं एक रूल फॉलो करती हूँ जहाँ पे इट्स एन 80-20% रूल. सो 80% यू फॉलो everything that is good for your health and 20% are all the peripherals that you have, thoda ye thoda wo thoda you know. So yeah, so but for me ye jo shift tha plant based ki taraf se, it has really helped me having some physical activity. Jo maine gym join kiya, jo physical activity jo hai, even with my kids I'm like you have टू प्ले बिकॉज वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और हम लोग ने जो किया हम लोग बिकॉज इतना रिस्ट्रिक्टेड था यू नो लॉकडाउन वाज सो स्ट्रिक्ट. तो हम लोग रितेश के गांव चली गई थी बाबलगा, वी वेंट टू लातूर और माई चिल्ड्रन लिटरली लिव्ड यू नो अ विलेज लाइफ विच आई फील वॉज द बेस्ट लाइफ. आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देती हैं और क्या रितेश को भी अपने हस्बैंड को भी आप इस तरह की फिटनेस टिप्स देती हैं. वो भी काफी फिट नजर आते हैं. वो किस तरह की का फिटनेस रिजीम फॉलो करते हैं, क्या वो भी डाइट बेस्ड है या कुछ और? नहीं एक्चुअली डाइट जो है ना रवि जी वो रॉन्ग वर्ड है क्योंकि डाइट सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद आप बोर हो जाएंगे यू नो. सो आई थिंक हम लोग ने जो किया एक लाइफस्टाइल चेंज ही किया कि वी स्टॉप्ड हैविंग एनीथिंग जहाँ पे लाइक व्हाट आई बिलीव इज एनी फूड जिसका एसिडिक लेवल्स हाई है वी स्टॉप्ड दैट. सो वी स्टार्टेड हैविंग मोर प्लांट्स मोर यू नो at home food versus hum log bahut zyada bahar khate the. We used to you know enjoy just being, but with the pandemic everything had shut down. So main jahan tak I'm in charge of diet and Ritesh jo hai, Ritesh ne mujhe encourage kiya gym join karne ke liye. Matlab he was very particular ki aapko gym join karna hai. Matlab gym bhi nahi lekin kuch na kuch physical activity. Aap ghar pe baith ke you know you're becoming just about children. Do it for yourself. मतलब आपके लिए अगर आपको अपने बच्चे को ये सिखाना है तो आपको 100% ये करना पड़ेगा. You have to be fit for them, you know. So I think in that I learned that for him. And diet जो है I think he follows what I do. So हम लोग ने एक lifestyle ही बनाया. हम लोग सुबह उठ के all of us, my children included, we have a good you know green juice and that really helps I feel. मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आप दो बच्चों की माँ हैं, दो बच्चों की मॉम हैं, राहिल और रिहान. मदरहुड ने आपकी जिंदगी को कैसे बदल दिया, कुछ बताएंगे इस बारे में? हाउ लाइफ हैज चेंज्ड आफ्टर यू बिकेम मदर? कैसे? आई थिंक अ लॉट. आई थिंक मैं जब मतलब आई वाज जस्ट अ नॉर्मल गर्ल बट आई health, you know, fitness, all these things didn't matter to me. Discipline, inhalations, you know, these kind of things. मतलब मेरे लिए ये इतना important नहीं था. And I think the pandemic ने मुझे सिखाया कि you have to, if you want to teach it to your children, you have to follow it yourself. तो हम लोग ने छोटा-छोटा चीज बंद किया जो like me and Ritesh used to love non-vegetarian food, but we slowly reduced it. We wanted a more sustainable. Like sustainability pe, I feel both of us have, you know, started feeling it so much because of our children. Kyunki hum logo, we feel ki main jab choti thi ya Ritesh jab, when he was young, we used to play a lot. Lekin aajkal to bachche log khelte hi nahi. They are mostly on their iPads. They're mostly online. On this.
So we felt ki as parents we wanted them to have that lifestyle as well, jahan pe wo, you know, they run, they play. So those little things we started bringing back. Main ye I won't say ki hum log ne change kiya, hum log wapas leke aaya, you know, in our lives whatever we felt was going off in life, we brought it back, and that was because of motherhood or because of parenthood. To a large extent, my children are vegan also. My children are plant-based, and wo pehle bahut difficult tha because, you know, when you have your friends or un log chocolate kha rahe, ye kha rahe, wo kha rahe. For the kids, they don't even feel like eating chocolate. They look at it and they're like, no, I don't want it. Because unka palate itna clear hai. And I think that is something as a family we started doing. So I really, really, really believe that motherhood has changed me threefold. अच्छा एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा कि दोनों बच्चों में से कौन ज्यादा शरारती, रियान या राहिल? कौन कौन ज्यादा शरारती? दोनों, माय गॉड, दोनों. एक टाइम रियान, एक टाइम राहिल. एक टाइम रियान, एक टाइम, और सबसे ज्यादा रितेश है. अच्छा दोनों बच्चों से ज्यादा शरारत रितेश करते हैं? हाँ, रितेश है. किस तरह से परेशान करते हैं वो आपको? नो, परेशान नहीं, मतलब मैं एक बहुत ही डिसिप्लिन मदर हूँ. मुझे मतलब टाइम पे चीज ऐसा ही होना चाहिए. आई फील दैट शुड बी अ रिदम दैट नीड्स टू बी. लेकिन रितेश जो है बिल्कुल डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन नहीं, लेकिन उनका टाइमिंग इधर उधर ऐसे वैसे है. और बच्चे लोग को मतलब दे आर एक्साइटेड कि ओके व्हेन बाबा इज एट होम वी कैन डू एवरीथिंग आवर वे. सो थ्री ऑफ देम टुगेदर बदर मी, बट इट्स गुड फन. इट्स अ लॉट ऑफ फन टू जस्ट प्ले विद बॉयज. आई एम लाइक द ओनली गर्ल इन माई हाउस, सो आई एम कॉन्स्टेंटली लाइक, लिसन टू मी. Of course, there are other benefits ki you're treated like the most special because you're the only girl. But when boys get together, no chance. बस एक आखिरी सवाल जाते जाते जिले आपसे, रितेश के साथ आपके, हमने ऐसे कई फनी वीडियोस देखे हैं टिकटॉक पे, आपको काफी नजर आते थे और अभी भी लगातार वीडियोस बनाते हैं. उस बहुत सारे वीडियोस बहुत फनी होते हैं. मतलब ये जो आइडिया है कि जो वीडियो आप लोग बनाते हैं वो कैसे आता है और किस तरह से आप लोग अप्रोच रखते हैं वीडियोस बनाने को लेकर, क्योंकि आपके वीडियोस को भी बहुत बड़ी तादाद में लोग फॉलो करते हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे? नहीं, क्योंकि हम लोग, यू नो, एक्चुअली ये पैंडेमिक जो है, इट वॉज अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम फॉर मोस्ट पीपल. और मतलब हैप्पीनेस नीडेड टू बी फाउंड इन योर ओन वे. तो मैं, मुझे और रितेश को ये रील्स बनाना अच्छा लगता था. एंड आई फील वी स्पीक द लैंग्वेज दैट हैपेंस इन मोस्ट होम्स. लाइक वी आर जस्ट ऑनेस्ट, लाइक जो होता है घर पे वही वी शूट इट एंड यू नो मेक सम फन एंड मेक इट लाइक अ लाइट मोमेंट फॉर पीपल. बिकॉज इतना सीरियसनेस है, इतना हार्ट ब्रेक्स है. आई थिंक दैट लिटिल मोमेंट दैट यू गेट टू स्माइल मेड अस ऑल्सो फील गुड. एंड आई थिंक वी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव एंजॉयड इट. सो दोनों साइड से एक it's been encouraging to do stuff like this. And aur aakhir mein hum log actors hi hai, you know, so you enjoy doing those little bits on screen. Yeah, chaliye abhinay se khas baatcheet karne ke liye bahut bahut shukriya jinile aapka. Thank you so much. Thank Ravi you Jain, ABP News, Mumbai. Thank you Mr. Ravi. Thank you. ABP News, आपको रखे आगे.